हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ऑसम सिटी हैदराबाद। अम्मी स्पेशल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाए हैं। ओनली टू इंग्रेडिएंट्स और आपका नाश्ता बन जाएगा, इंस्टेंट रहेगा, बहुत ही डिलिशियस रहेगा, बहुत ही टेस्टी रहेगा। बच्चों को टिफिन्स में दे सकते हो आप, ये बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। बारिश का मौसम है तो स्पेशली बारिश में तो बहुत ही सुपर हिट है ये रेसिपी। तो चलिए देखते हैं। पहले हम आलू को लेंगे और इसे बॉयल कर लेंगे। आलू को छील लीजिए, उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए और इसे बॉईल कर लीजिए। आप ये बॉईल हो गए हैं, अब हम इसे मैश कर लेते हैं। अच्छे से मैश कर लीजिए आप, ताकि अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। बहुत ही अच्छी इंस्टेंट रेसिपी रहती है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इसमें हम थोड़ा सा करिया पाक, कोथमीर, हरा मसाला डालेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा, धनिया और गरम मसाले का पाउडर ऐड कर लेंगे। इसमें नमक ऐड कर लीजिए टेस्ट के हिसाब से, आप कम ज़्यादा जैसे भी खाते हो उतना हिसाब से आप डाल लीजिए नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से बाइंड कर लेंगे हम, ताकि हमारे बॉल्स अच्छे से बने। आप सुबह नाश्ते में बना के खा सकते हो, शाम में बना के खा सकते हो, बारिश का सीज़न है, या बच्चों को जब भी कोई स्नैक्स बनाए खाना, होममेड रहते हैं, बहुत ही टेस्टी रहते हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इंस्टेंट बन जाते हैं ये घर पे। तो ये देखिए सारे बॉल्स हमारे रेडी हो रहे हैं, बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही इमीडिएट बन जाते हैं, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ आलू चाहिए आपको और गरम मसाला, और आपको सारे बॉल्स ऐसे ही बना लीजिए आप, होल बीच में होल डाल के आप ऐसे ही बना लीजिए। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, आप इसे हाई फ्लेम पे मत कीजिए, नहीं तो ये जल जाएंगे और अच्छे से पकेंगे भी नहीं अंदर। बहुत इजी बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं, घर बैठे आप बना सकते हो, बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, घर का फ्रेश बना के खा सकते हो आप हेल्दी। और हमारा लेटेस्ट वीडियो भी देखिए आप, और हमने कल जो वीडियो डाला था मीठी दाल का, वो भी देखिए आप, वो भी ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, हेल्दी रेसिपी रहेगा वो भी ट्राई कीजिए। और नान की रोटी का भी हमने डाला है, विदाउट ओवन, विदाउट ईस्ट, आप घर बैठे नान की रोटी बना सकते हो, वो भी देखिए आप। हमारे लेटेस्ट रेसिपीज़ भी देखिए, वो भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए हमारे सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बिरयानी के वीडियोज़ हैं, नहारी के वीडियोज़ हैं, यूनिक कुकिंग वीडियोज़ है, वो भी ज़रूर देखिए, और पौधों के भी वीडियोज़ है, वो भी ज़रूर देखिए, और कमेंट करके बताइए आपको कुछ और नया देखना है। तो चलिए, हमने ऑयल गरम कर लिया है, इसे हम एक करके फ्राई करेंगे। ज़्यादा मत डाल दीजिए आप एक साथ, क्योंकि वो स्टिक हो जाते हैं एक को एक, तो आप एक या दो डालिए बस। देखिए गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता तैयार हो रहा है, आप जल्दी से चटनी लेके रेडी हो जाइए से खाने के लिए, सबको बहुत पसंद आएगा ये। घर घर में बनेगा तो आपके हाथों से लजीज बनेगा और हेल्दी बनेगा, साफ़ सुथरा बनेगा, अब बहुत ही जल्दी बन जाता है ये, कुरकुरे यम्मी बनेंगे। इसको आप हरी चटनी के साथ खा सकते हो, या टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हो, या मेयोनेज़ के साथ भी खा सकते हो, आपकी जैसी मर्जी आप वैसे खा सकते हो, या खाली भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी रहेंगे। या ब्रेड में रख के भी खाइए इसे, वड़ा पाव जैसे, वो वैसे भी अच्छा लगेगा। हमारे वीडियो पे वड़ा पाव का भी रेसिपी है, हमने बनाया है, वो भी ज़रूर देखिए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, द ऑसम सिटी हैदराबाद अम्मी स्पेशल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये रेसिपी ट्राई करें एक बार। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए आप कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से आप हमारा वीडियो देख रहे हो, और आप क्या नया देखना चाहते हो हमारे चैनल पे। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये देखिए सारे
तल लिए हमने और सॉस के साथ अब हम इसे खाएंगे, गरम गरम आलू का नाश्ता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए अंदर से सारे पके हुए हैं, बहुत ही कुरकुरे यमी सॉफ्ट रहेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिए आप।